नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबर दानी। किसानों की फसलों में लगा वायरस, फसलें हुई चौपट। ग्यारसपुर में तहसील कार्यालय में दर्जनों किसानों ने आज पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। किसानों ने मांग रखी कि हमारी जो फसलें उड़द और सोयाबीन की बर्बाद हुई हैं, उनका मुआवजा एवं बीमा राशि दिलाई जाए। किसानों का कहना है कि फसलों में कोई रोग लगा हुआ है जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं। लाखों रुपए की दवाई डालने के बावजूद भी हम अपनी फसलें बचा नहीं पाए। फसलों के पत्ते पीले पड़ गए, कमर की ऊंचाई तक सोयाबीन के पेड़ बढ़े हैं लेकिन फलियां नहीं दिख रही हैं। कोई वायरस फसलों पर अटैक कर रहा है, जिससे हम शासन से अब मांग करते हैं कि हमारी फसलों की मुआवजा एवं बीमा दिलाया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। सीताराम कुशवाहा के साथ आशीष सहिले की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आप जो आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए, तो आप क्या समस्या को लेकर यहाँ पर एसडीएम साहब के पास आए? लेकर आए ग्राम पंचायत इमलावदा हल्का नंबर 2 से आए हुए हैं हम जी। और हमारी उड़द और सोयाबीन एकदम बिल्कुल सूख के फसल पूरी नष्ट हो रही है जी। तो किसान बर्बाद हो रहा है जी। इसलिए हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे लिए कुछ राशि राहत प्रदान, बीमा। हमारा हर साल बीमा कट रहा है, तो बीमा मिलना चाहिए और सहायता राशि भी शासन से मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग किसान तो मर जाएंगे। कितना क्या नुकसान का इस बार आसार दिखाई दे रहे हैं? आसार तो ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से 100% नुकसान। उर्दू में 100% हो चुका और सोयाबीन में मतलब 4 रोज के अंदर 100% ही हो जाएगा। क्या कारण फसल की बर्बाद होने की? हाँ, फसल बिल्कुल बर्बाद होने का कारण है। कोई ऐसा वायरस है? ऑटोमेटिक ऐसा वायरस फैला है तो उसके कारण एकदम फसल सूख रही है। दवाई आप हजारों लाखों रुपए की किसान छिड़क रहे हैं, उसका कोई असर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दवाइयां डाल चुके, लाखों रुपए की दवाई डाल के किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका। इसके बाद भी मतलब वो दवाई से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और जो एक नया रोग पहला एकदम सूखा लगा है, वो किस कोई इस रोग की जानकारी नहीं लग पाई अभी तक आपको? कौन सा रोग लगा हुआ है? कोई जानकारी अधिकारियों से पूछो या किससे, तो वो कुछ कहता है जड़ सड़ रही है, कोई कहता है मतलब कोई इसका सोल्यूशन कोई नहीं बता पा रहे कौन सी दवाई। कोई अधिकारी नहीं बता रहे क्या जो डाल रहे हैं वो असर नहीं कर रहा है। सर, बाहर आज कुछ कल कुछ मतलब 3-4 रोज के अंदर ही हुआ है एकदम, मतलब क्या आया था बिल्कुल।